नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। लाइव स्टीज की ओर से आपके और आपके पूरे परिवार को दीपावली की ढेरों शुभकामनाएं। बिहार में दीपावली हर तरफ धूमधाम से मनाई जा रही है। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपने परिवार के साथ अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में दीप जला रहे हैं, दीपों के इस त्यौहार को मना रहे हैं। तस्वीरें देखिए, तस्वीरें जो निकल के आ रही हैं वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आप देख सकते होंगे, साथ में उनके बेटे निशांत भी आपको दिख रहे होंगे तस्वीरों में। उन्होंने दीप प्रज्वलित किया है, प्रकाश के इस त्यौहार में उन्होंने भी दिया जलाया है और ये संदेश दिया है कि चाहे कितना भी अंधेरा क्यों ना हो, अगर हम अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखते हैं, इच्छा शक्ति को बुलंद रखते हैं, तो दीप जलाकर हम प्रकाश फैला सकते हैं। ऐसे में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आप तस्वीरों के माध्यम से देख रहे होंगे, दीप जला रहे हैं सरकारी आवास एक अन्य मार्ग में। चारों ओर अगर हम बाहर की बातें करें तो इस वक्त लोग दीपावली मना रहे हैं, पटाखे फोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो हैं वह पटाखे जला रहे हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में नई सरकार का गठन भी जल्द होने वाला है। बिहार में एनडीए को बहुमत मिल चुका है और कल एनडीए के तमाम जो बड़े नेता हैं वो बैठेंगे। एनडीए विधायक दल की कल बैठक भी है जिसमें नीतीश कुमार को एक बार फिर से नेता चुन लिया जाएगा, ये लगभग तय है। ऐसे में अब अगर हम बात करें दीपावली की, तो दीपावली एक तरफ जहां पूरे बिहार में मनाई जा रही है, अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो देश के जवानों के साथ आज वह दीपावली मनाते हुए दिखे, वहीं दूसरी ओर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते होंगे दीप प्रज्वलित कर रहे हैं। उनके बेटे निशांत भी आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे। बिहार सरकार में अगर हम बात करें तो जल्द ही नई सरकार गठन हो जाएगा। कल की अगर हम बात करें, कल 12:30 बजे बैठक बुलाई गई है मुख्यमंत्री आवास एक अन्य मार्ग में। कल बैठक होगी जिसमें एनडीए गठबंधन के तमाम जो बड़े नेता हैं वो हिस्सा लेंगे। उससे पहले कल बीजेपी विधायक दल की भी बैठक है जहां पर नेता चुना जाएगा। और ऐसे में अब जो सरकार बनाने की कवायद है वो तेज चल रही है। उम्मीद है 17 या 18 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह भी किया जाएगा। लेकिन दीपावली का त्यौहार खुशियों का त्यौहार है, सभी को उन्नति प्राप्त हो, सभी को सुख समृद्धि प्राप्त हो, ऐसा हम भी कामना करते हैं। आप इस प्रकाश के पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। हाँ, सावधानी ज़रूर बरतें पटाखे जलाते वक्त। ऐसे में बिहार की जो तस्वीरें थी वो हमने अब तक साझा की हैं। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।